उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा केदारनाथ धाम चार धामों व पंच केदारों में से भी एक धाम है। केदारनाथ धाम और पंच केदार मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु सीमित अवधि के लिए ही खुलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सिर्फ साल के 6 महीने ही मंदिर के कपाट क्यों खुलते हैं और बाकी समय मंदिर में क्या होता है? मंदिर के द्वार क्यों बंद कर दिए जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जानते हैं भगवान भोलेनाथ के धाम केदारनाथ धाम के विषय में। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जागृत महादेव के नाम से मशहूर केदारनाथ धाम का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा किया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। 2013 में आई प्राकृतिक आपदा मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर पाई थी। केदारनाथ धाम के खुलने व बंद होने का निर्णय ज्योतिष शास्त्र पर निर्भर करता है। मंदिर के कपाट खुलने का निर्णय अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर निर्भर करता है और पंचांग की गणना के उपरांत उनकी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तारीख व समय निर्धारित किया जाता है और जिसकी घोषणा महाशिवरात्रि को होती है। वर्ष 25 अप्रैल 2023 को प्रातः 6:20 पर मंदिर में विशेष पूजा के उपरांत केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट दीपावली के 2 दिन बाद यानी भैया दूज को बंद कर दिए जाते हैं, जो लगभग 6 महीनों तक बंद रहते हैं और इन 6 महीनों में बाबा केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद होंगे और बंद होने की तिथि की घोषणा विजयदशमी को होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के उपरांत पांडवों ने पितरों का कर्म कांड किया तथा भैया दूज के दिन वे स्वर्ग सिधारे, इसलिए भैया दूज को बद्रीनाथ और केदारनाथ इन दोनों मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में यहां भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसके चलते आवागमन के सभी रास्ते बाधित होते हैं, इसलिए इन मंदिरों को लगभग 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है और भगवान शिव की पवित्र मूर्ति को ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और लगभग 6 महीनों तक बाबा केदारनाथ की पूजा यहीं पर होती है और कपाट खुलने से पहले इन्हें पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के दरवाजे बंद करने से पूर्व पुजारी गर्भगृह में मूर्ति के सामने एक दीपक जलाते हैं और जो 6 महीने बाद भी मंदिर खुलने पर जलता हुआ दिखाई देता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।